नमस्कार, AS किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोयाबीन की मसालेदार सब्ज़ी बनाएंगे। एकदम बनाने का सिंपल तरीका है। यहाँ मैंने प्याज भून के लिया है गैस पे ऐसे ही, और सूखा खोबरा लिया है, इसको भी गैस पे ही भून के लिया है। अब इन दोनों का हम मिक्सी में बारीक पेस्ट बनाएंगे। गैस ऑन करके ऑयल लेंगे। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज, अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, और यहाँ मैंने गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोयाबीन भिगो के रखा था, इसका मैंने पूरा पानी निचोड़ के निकाला है। अब ये ऐड करेंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसे अच्छे से एक मिनट चला के लेना है सोयाबीन को। अभी सोयाबीन को हम निकाल लेंगे। सोयाबीन निकाल लिया है। अभी इसी कढ़ाई में ऑयल लेंगे। अब इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे, प्याज और सूखा खोबरा लिया था वो। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला, इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, आप ज़रूर ट्राई कर लेना। अगर मेरी रेसिपी सिंपल सी है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे 5 मिनट बंद करके रखेंगे, ताकि सोयाबीन को भी अच्छे से मसाला लग जाए। देख लेते हैं हम। गैस बंद कर लेंगे अभी। ये देखिए, सब्जी हमारी बनके रेडी है, सोयाबीन की। एकदम सिंपल सी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये, आप ज़रूर ट्राई कर लेना इस तरीके से। अभी ऊपर से हम धनिया ऐड करेंगे।